जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडियन ने बताया कि प्रत्येक विकास खंड तहसील स्तर पर संबंधित उप जिलाधिकारी पर्यवेक्षण में सचल दस्ते का गठन कर उन्हें निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में पराली एवं अन्य कृषि अवशिष्ट न जलाए जाए। सचल दस्ते में पुलिस, राजस्व एवं कृषि विभाग के एक एक अधिकारी सम्मिलित होंगे। संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण करेंगे। इस हेतु तहसील स्तर सचल दस्ता, जिसमें राजस्व विभाग के तहसीलदार, कृषि विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, पुलिस विभाग के थाना अध्यक्ष, संबंधित तहसील मुख्यालय तथा विकास खंड के स्तरीय सचल दस्ता, जिसमें राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार कानूंगो, कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी, पुलिस विभाग के थाना अध्यक्ष की सचल टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस तहसील में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी तैनात नहीं है, वहां सचल दस्ता में उप संभाग मुख्यालय पर तैनात वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि फसल को जलने से रोकने हेतु सघन निगरानी करते हुए दोषी पाए जाने पर शासनादेश में निहित निर्देशानुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 2500 प्रति घटना, 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 5000 प्रति घटना तथा 5 एकड़ से या 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से 15000 प्रति घटना दंडात्मक प्राविधान लागू कराया जाए। इसके अतिरिक्त शासनादेश में निहित निर्देशानुसार फसल की कटाई हेतु प्रयोग की जाने वाली कंबाइन मशीनों के साथ स्ट्रा रेपर की अनिवार्यता भी सुनिश्चित कराए। स्ट्रा रेपर के बगैर प्रयोग की जा रही कंबाइन मशीनों के मालिकों के सिविल दायित्व निर्धारित करते हुए निषेधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उप जिलाधिकारी द्वारा सचल दस्तों के स्तर से की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से उप कृषि निदेशक गोरखपुर को उपलब्ध कराया जाए, जिसके द्वारा जनपद के संकलित साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।